यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम अर्जुना अभिगमन पर 12वां अध्याय अर्जुन और द्रौपदी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण से अपने प्रति किए गए अपमान और दुख का वर्णन और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन एवं धृष्टद्युम्न का उसे आश्वासन देना। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुत सोम, अर्जुन से श्रुत कीर्ति, नकुल से शतानीक और छोटे पांडव सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ है। ये सभी कुमार सच्चे पराक्रमी हैं। श्री कृष्ण, आपका पुत्र प्रद्युम्न जैसा शूरवीर है, वैसे ही वे मेरे महारथी पुत्र भी हैं। ये धनुर्विद्या में श्रेष्ठ तथा शत्रुओं द्वारा युद्ध में अजेय हैं, तो भी दुर्बल धृतराष्ट्र पुत्रों का अत्याचार कैसे सहन करते हैं। अधर्म से सारा राज्य हरण कर लिया गया, सब पांडव दास बना दिए गए और मैं एक वस्त्रधारिणी रजस्वला होने पर भी सभा में घसीट कर लाई गई। मधुसूदन, अर्जुन के पास जो गांडीव धनुष है उस पर अर्जुन, भीम अथवा आपके सिवा दूसरा कोई प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा सकता, तो भी ये मेरी रक्षा न कर सके। कृष्ण, भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के पुरुषार्थ को भी धिक्कार है, जिसके होते हुए दुर्योधन इतना बड़ा अत्याचार करके दो घड़ी भी जीवित रह रहा है। मधुसूदन, पहले बाल्यावस्था में जबकि पांडव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अध्ययन में लगे थे, किसी की हिंसा नहीं करते थे, जिन दुष्ट ने इन्हें इनकी माता के साथ राज्य से बाहर निकाल दिया था, जिस पापी ने भीमसेन के भोजन में नूतन तीक्ष्ण परिमाण में अधिक एवं रोमांचकारी कालकूट नामक विष डलवा दिया था। महाबाहु नरश्रेष्ठ जनार्दन, भीमसेन की आयु शेष थी, इसीलिए वह घातक विष अन्न के साथ ही पच गया और उसने कोई विकार नहीं उत्पन्न किया। श्री कृष्ण, प्रमाण कोटि तीर्थ में जब भीमसेन विश्वस्त होकर सो रहे थे, उस समय दुर्योधन ने इन्हें बांधकर गंगा में फेंक दिया और स्वयं चुपचाप राजधानी में लौट आया। इस प्रकार दुर्योधन के अत्याचारों को कहां तक गिनाया जाए। जब इनकी आंख खुली तो ये महाबली महाबाहु भीमसेन सारे बंधनों को तोड़कर जल से ऊपर उठे, इनके सारे अंगों में विषैले काले सर्पों से डसवाया, परंतु शत्रु हंता भीमसेन मर न सके। जागने पर कुंती नंदन भीम ने सब सर्पों को उठा उठा कर पटक दिया। दुर्योधन ने भीमसेन के प्रिय सारथी को भी उल्टे हाथ से मार डाला। इतना ही नहीं, वारणावत में आर्या कुंती के साथ में ये बालक पांडव सो रहे थे, उस समय उसने घर में आग लगवा दी। ऐसा दुष्कर्म दूसरा कौन कर सकता है। उस समय वह आर्या कुंती भयभीत हो रोती हुई पांडवों से इस प्रकार बोली, मैं बड़े भारी संकट में पड़ी, आग से घिर गई, हाय हाय, मैं मारी गई, अब इस आग से कैसे शांति प्राप्त होगी, मैं अनाथ की तरह अपने बालक पुत्रों के साथ नष्ट हो जाऊंगी। उस समय वहां वायु के समान वेग और पराक्रम वाले महाबाहु भीमसेन ने आर्या कुंती तथा भाइयों को आश्वासन देते हुए कहा, पक्षियों में श्रेष्ठ विनतानंदन गरुड़ जैसे उड़ा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी तुम सबको लेकर यहां से चल दूंगा, अतः तुम्हें यहां तनिक भी भय नहीं है। ऐसा कहकर पराक्रमी एवं बलवान भीम ने आर्या कुंती को बाएं अंक में, धर्मराज को दाहिने अंक में, नकुल और सहदेव को दोनों कंधों पर
तथा अर्जुन को पीठ पर चढ़ा लिया और सबको लिए दिए सहसा वेग से उछलकर इन्होंने उस भयंकर अग्नि से भाइयों तथा माता की रक्षा की। फिर वे सब यशस्वी पांडव माता के साथ रात में ही वहां से चल दिए और हिडिंब वन के पास एक भारी वन में जा पहुंचे। वहां माता सहित ये दुखी पांडव थक कर सो गए। सो जाने पर इनके निकट हिडिंबा नामक राक्षसी आई। माता सहित पांडवों को वहां धरती पर सोते देख काम से पीड़ित हो उस राक्षसी ने भीमसेन की कामना की। भीम के पैरों को अपनी गोद में लेकर वह कल्याणमयी अबला अपने कोमल हाथों से प्रसन्नता पूर्वक दबाने लगी। उसका स्पर्श पाकर बलवान सत्य पराक्रमी तथा अमेय आत्मा भीमसेन जाग उठे। जागने पर उन्होंने पूछा, सुंदरी तुम यहां क्या चाहती हो? इस प्रकार पूछने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली उस अनिंद्य सुंदरी राक्षस कन्या ने महात्मा भीमसेन से कहा, आप लोग यहां से जल्दी भाग जाएं। मेरा यह बलवान भाई हिडिंब आपको मारने के लिए आएगा, अतः आप लोग जल्दी चले जाइए, देर न कीजिए। यह सुनकर भीम ने अभिमान पूर्वक कहा, मैं उस राक्षस से नहीं डरता, यदि यहां आएगा तो मैं ही उसे मार डालूंगा। उन दोनों की बातचीत सुनकर वह भीम रूपधारी भयंकर एवं नीच राक्षस बड़े जोर से गर्जना करता हुआ वहां आ पहुंचा। राक्षस बोला, हिडिंबे तू किससे बात कर रही है? लाओ इसे मेरे पास, हम लोग खाएंगे, अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। मनस्विनी एवं अनिंदिता हिडिंबा ने स्नेह युक्त हृदय के कारण दयावश यह क्रूरतापूर्ण संदेश भीमसेन से कहना उचित न समझा। इतने ही में वह नरभक्षी राक्षस घोर गर्जना करता हुआ बड़े वेग से भीमसेन की ओर दौड़ा। क्रोध में भरे हुए उस बलवान राक्षस ने बड़े वेग से निकट जाकर अपने हाथ से भीमसेन का हाथ पकड़ लिया। भीमसेन के हाथ का स्पर्श इंद्र के वज्र के समान था, उनका शरीर भी वैसा ही सुदृढ़ था। राक्षस ने भीमसेन से भिड़कर उनके हाथों को सहसा झटक दिया। राक्षस ने भीमसेन के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया। यह बात महाबाहु भीमसेन नहीं सह सके, वे वहीं कुपित हो गए। उस समय संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता भीमसेन और हिडिंब में इंद्र और वृत्रासुर के समान भयानक एवं घमासान युद्ध होने लगा। निष्पाप श्री कृष्ण महापराक्रमी और बलवान भीमसेन ने उस राक्षस के साथ बहुत देर तक खिलवाड़ करके उसके निर्बल हो जाने पर उसे मार डाला। इस प्रकार हिडिंब को मारकर हिडिंबा को आगे किए भीमसेन अपने भाइयों के साथ आगे बढ़े। उसी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ। तदनंतर सब परंतप पांडव अपनी माता के साथ आगे बढ़े। ब्राह्मणों से घिरे हुए ये लोग एक चक्रा नगरी की ओर चल दिए। उस यात्रा में इनके प्रिय एवं हित में लगे हुए व्यास जी ही इनके परामर्शदाता हुए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले पांडव उन्हीं की सम्मति से एक चक्रापुरी में गए। वहां जाने पर भी इन्हें नरभक्षी राक्षस महाबली बकासुर मिला, वह भी हिडिंब के ही समान भयंकर था। योद्धाओं में श्रेष्ठ भीम उस भयंकर राक्षस को मारकर अपने सब भाइयों के साथ मेरे पिता द्रुपद की राजधानी में गए। श्री कृष्ण, जैसे आपने भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी को जीता था, उसी प्रकार मेरे पिता की राजधानी में रहते समय सव्यसाची अर्जुन ने मुझे जीता। मधुसूदन, स्वयंवर में जो महान कर्म दूसरों के लिए दुष्कर था, वह करके भारी युद्ध में भी अर्जुन ने मुझे जीत लिया था। परंतु आज मैं इन सब के होते हुए भी अनेक प्रकार के क्लेश भोगती और अत्यंत दुख में डूबी रहकर अपनी सास कुंती से अलग हो धौम्य जी को आगे रखकर वन में निवास करती हूँ। ये सिंह के समान पराक्रमी पांडव बल वीर में शत्रुओं से बढ़े चढ़े हैं। इनसे सर्वथा हीन कौरव मुझे भरी सभा में कष्ट दे रहे थे, तो भी इन्होंने क्यों मेरी उपेक्षा की? पाप कर्मों में लगे हुए अत्यंत दुर्बल पापी शत्रुओं के दिए हुए
ऐसे ऐसे दुख मैं सह रही हूँ और दीर्घ काल से चिंता की आग में जल रही हूँ। यह प्रसिद्ध है कि मैं दिव्य विधि से एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूँ, पांडवों की प्यारी पत्नी और महाराज पांडु की पुत्र वधु हूँ। मधुसूदन श्री कृष्ण, मैं श्रेष्ठ और सती साध्वी होती हुई भी इन पांचों पांडवों के देखते देखते केश पकड़कर घसीटी गई। ऐसा कहकर मृदु भाषिणी द्रौपदी कमल कोश के समान कांतिमान एवं कोमल हाथ से अपना मुंह ढक कर फूट फूट कर रोने लगी। पांचाल राजकुमारी कृष्णा अपने कठोर उभरे हुए शुभ लक्षण तथा सुंदर स्तनों पर दुख जनित अश्रु बिंदुओं की वर्षा करने लगी। कुपित हुई द्रौपदी बार बार सिसकती और आंसू पोंछती हुई आंसू भरे कंठ से बोली, मधुसूदन, मेरे लिए न पति है, न पुत्र है, न बांधव है, न भाई है, न पिता है और न आप ही हैं, क्योंकि आप सब लोग नीच मनुष्यों द्वारा जो मेरा अपमान हुआ था उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, मानो इसके लिए आपके हृदय में तनिक भी दुख नहीं है। उस समय कर्ण ने जो मेरी हंसी उड़ाई थी उससे उत्पन्न हुआ दुख मेरे हृदय से दूर नहीं होता है। श्री कृष्ण, चार कारणों से आपको सदा मेरी रक्षा करनी चाहिए। एक तो आप मेरे संबंधी हैं, दूसरे अग्नि कुंड में उत्पन्न होने के कारण मैं गौरवशालिनी हूं, तीसरे आपकी सच्ची सखी हूं और चौथे आप मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने वीरों के उस समुदाय में द्रौपदी से इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, भाविनी, तुम जिन पर क्रुद्ध हुई हो उनकी स्त्रियां भी अपने प्राण प्यारे पतियों को अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न और खून से लथपथ हो मरकर धरती पर पड़ा देख इसी प्रकार रोएंगी। पांडवों के हित के लिए जो कुछ भी संभव है वह सब करूंगा, शोक न करो। मैं सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूं कि तुम राज रानी बनोगी। कृष्णे, आसमान फट पड़े, हिमालय पर्वत विदीर्ण हो जाए, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाए और समुद्र सूख जाए, किंतु मेरी यह बात झूठी नहीं हो सकती। द्रौपदी ने अपनी बातों के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर तिरछी चितवन से अपने मझले पति अर्जुन की ओर देखा। महाराज, तब अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, लालिमा युक्त सुंदर नेत्रों वाली देवी वर वर्णिनी, रो मत, भगवान मधुसूदन जो कुछ कह रहे हैं वह अवश्य होकर रहेगा, टल नहीं सकता। धृष्टद्युम्न ने कहा, बहन, मैं द्रोण को मार डालूंगा, शिखंडी भीष्म का वध करेंगे, भीमसेन दुर्योधन को मार गिराएंगे और अर्जुन कर्ण को यमलोक भेज देंगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम का आश्रय पाकर हम लोग युद्ध में शत्रुओं के लिए अजेय हैं, इंद्र भी हमें रण में परास्त नहीं कर सकते, फिर धृतराष्ट्र के पुत्रों की तो बात ही क्या है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृष्टद्युम्न के ऐसा कहने पर वहां बैठे हुए वीर भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। उनके बीच में बैठे हुए महाबाहु केशव ने उनसे ऐसा कहा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्रौपदी आश्वासन विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। 13वां अध्याय, श्री कृष्ण का जुए के दोष बताते हुए पांडवों पर आई हुई विपत्ति में अपनी अनुपस्थिति को कारण मानना। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, यदि मैं पहले द्वारका में या उसके निकट होता तो आप इस भारी संकट में नहीं पड़ते। दुर्जय वीर, अंबिका नंदन धृतराष्ट्र, राजा दुर्योधन तथा अन्य कौरवों के बिना बुलाए भी मैं उस द्यूत सभा में आता और जुए के अनेक दोष दिखाकर उसे रोकने की चेष्टा करता। प्रभु, मैं आपके लिए भीष्म, द्रोण, कृप, बाहल्लिक तथा राजा धृतराष्ट्र को बुलाकर कहता, कुरुवंश के महाराज, आपके पुत्रों को जुआ नहीं खेलना चाहिए। राजन, मैं द्यूत सभा में जुए के उन दोषों को
स्पष्ट रूप से बताता जिनके कारण आपको अपने राज्य से वंचित होना पड़ा है तथा जिन दोषों ने पूर्व काल में वीरसेन पुत्र महाराज नल को राज सिंहासन से च्युत किया। नरेश्वर, जुआ खेलने से सहसा ऐसा सर्वनाश उपस्थित हो जाता है जो कल्पना में भी नहीं आ सकता। इसके सिवा उससे सदा जुआ खेलने की आदत बन जाती है। यह सब बातें मैं ठीक ठीक बता रहा हूं। स्त्रियों के प्रति आसक्ति, जुआ खेलना, शिकार खेलने का शौक और मद्यपान, ये चार प्रकार के भोग कामना जनित दुख बताए गए हैं जिनके कारण मनुष्य अपने धन ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। शास्त्रों के निपुण विद्वान सभी परिस्थितियों में इन चारों को निंदनीय मानते हैं, परंतु द्यूत क्रीड़ा को तो जुए के दोष जानने वाले लोग विशेष रूप से निंदनीय समझते हैं। जुए से एक ही दिन में सारे धन का नाश हो जाता है, साथ ही जुआ खेलने से उसके प्रति आसक्ति होनी निश्चित है। समस्त भोग पदार्थों का बिना भोगे ही नाश हो जाता है और बदले में केवल कटु वचन सुनने को मिलते हैं। गुरुनंदन, ये तथा और भी बहुत से दोष हैं जो जुए के प्रसंग से कटु परिणाम उत्पन्न करने वाले हैं। महाबाहु, मैं धृतराष्ट्र से मिलकर जुए के ये सभी दोष बतलाता। गुरुवर्धन, मेरे इस प्रकार समझाने बुझाने पर यदि वे मेरी बात मान लेते तो कौरवों में शांति बनी रहती और धर्म का भी पालन होता। राजेंद्र, भरत श्रेष्ठ, यदि वे मेरे मधुर एवं हितकर वचन को सुनकर उसे न मानते तो मैं उन्हें बलपूर्वक रोक देता। यदि वहां सुहृद नामधारी शत्रु अन्याय का आश्रय ले इस धृतराष्ट्र का साथ देते तो मैं उन सभासद जुआरियों को मार डालता। गुरुश्रेष्ठ, मैं उन दिनों आनर्त देश में ही नहीं था, इसीलिए आप लोगों पर यह द्यूत जनित संकट आ गया। गुरुप्रवर पांडुनंदन, जब मैं द्वारका में आया तब सात्यकी से आपके संकट में पड़ने का यथावत समाचार सुना। राजेंद्र, वह सुनते ही मेरा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा और प्रजेश्वर, मैं तुरंत ही आपसे मिलने के लिए चला आया। भरत कुलभूषण, अहो आप सब लोग बड़ी कठिनाई में पड़ गए हैं। मैं तो आपको सब भाइयों सहित विपत्ति के समुद्र में डूबा हुआ देख रहा हूं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में वासुदेव वाक्य विषयक 13वां अध्याय पूरा हुआ। 14वां अध्याय, द्यूत के समय न पहुंचने में श्री कृष्ण के द्वारा शाल्व के साथ युद्ध करने और सौभ विमान सहित उसे नष्ट करने का संक्षिप्त वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, वृष्णि कुल को आनंदित करने वाले श्री कृष्ण, जब यहां द्यूत क्रीड़ा का आयोजन हो रहा था उस समय तुम द्वारका में क्यों अनुपस्थित रहे? उन दिनों तुम्हारा निवास कहां था और उस प्रवास के द्वारा तुमने कौन सा कार्य सिद्ध किया? श्री कृष्ण ने कहा, भरतवंश शिरोमणि, कुरुकुल भूषण, मैं उन दिनों शाल्व के सौभ नामक नगराकार विमान को नष्ट करने के लिए गया हुआ था। इसका क्या कारण था वह बतलाता हूं, सुनिए। भरत श्रेष्ठ, आपके राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के प्रश्न को लेकर जो क्रोध के वशीभूत हो इस कार्य को नहीं सह सका था और इसीलिए जिस दुरात्मा महातेजस्वी महाबाहु एवं महायशस्वी दमघोष नंदन वीर राजा शिशुपाल को मैंने मार डाला था उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर शाल्व प्रचंड रोष से भर गया। भारत, मैं तो यहां हस्तिनापुर में था और वह हम लोगों से सूनी द्वारकापुरी में जा पहुंचा। राजन, वहां वृष्णि वंश के श्रेष्ठ कुमारों ने उसके साथ युद्ध किया। वह इच्छानुसार चलने वाले सौभ नामक विमान पर बैठकर आया और क्रूर मनुष्य की भांति यादवों की हत्या करने लगा। उस खोटी बुद्धि वाले शाल्व ने वृष्णि वंश के बहुतेरे बालकों का वध करके नगर के सब बगीचों को उजाड़ डाला। महाबाहु, उसने यादवों से पूछा, वह वृष्णि कुल का कलंक मंदात्मा वसुदेव पुत्र वासुदेव कहां है? उसे युद्ध की बड़ी इच्छा रहती है, आज उसके घमंड को मैं चूर कर दूंगा। आनर्त निवासियों, सच सच बतला दो, वह कहां है? जहां होगा वहीं जाऊंगा
और कंस तथा केशी का संहार करने वाले उस कृष्ण को मारकर ही लौटूंगा। मैं अपने अस्त्र शस्त्रों को छूकर सत्य की सौगंध खाता हूं कि अब कृष्ण को मारे बिना नहीं लौटूंगा। सौभ विमान का स्वामी शाल्व संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखकर चारों ओर दौड़ता और सबसे यही पूछता था कि वह कहां है, कहां है राजन। साथ ही वह यह भी कहता था कि आज उस नीच पापाचारी और विश्वासघाती कृष्ण को शिशुपाल वध के अमर्ष के कारण मैं यमलोक भेज दूंगा। उस पापी ने मेरे भाई राजा शिशुपाल को मार गिराया है, अतः मैं भी उसका वध करूंगा। मेरा भाई शिशुपाल अभी छोटी अवस्था का था, दूसरे वह राजा था, तीसरे युद्ध के मुहाने पर खड़ा नहीं था, चौथे असावधान था। ऐसी दशा में उस वीर की जिसने हत्या की है, उस जनार्दन को मैं अवश्य मारूंगा। गुरुनंदन, महाराज इस प्रकार शिशुपाल के लिए विलाप करके मुझ पर आक्षेप करता हुआ वह इच्छानुसार चलने वाले सौभ विमान द्वारा आकाश में ठहरा हुआ था। गुरुश्रेष्ठ, यहां से द्वारका जाने पर मैंने मार्तिकावतक देश के निवासी दुष्टात्मा एवं दुर्बुद्धि राजा शाल्व ने मेरे प्रति जो दुष्टतापूर्ण बर्ताव किया था वह सब कुछ सुना। गुरुनंदन, तब मेरा मन भी रोष से व्याकुल हो उठा। राजन, फिर मन ही मन कुछ निश्चय करके मैंने शाल्व के वध का विचार किया। गुरुप्रवर, पृथ्वीपते, उसने अनर्थ देश में जो महान संहार मचा रखा था, वह मुझ पर जो आक्षेप करता था तथा उस पापाचारी का घमंड जो बहुत बढ़ गया था, वह सब सोचकर मैं सौभ नगर का नाश करने के लिए प्रस्थित हुआ। मैंने सब ओर उसकी खोज की तो वह मुझे समुद्र के एक द्वीप में दिखाई दिया। नरेश्वर, तदनंतर मैंने पांचजन्य शंख बजाकर शाल्व को समर भूमि में बुलाया और स्वयं भी युद्ध के लिए उपस्थित हुआ। वहां सौभ निवासी दानवों के साथ 2 घड़ी तक मेरा युद्ध हुआ और मैंने सबको वश में करके पृथ्वी पर मार गिराया। महाबाहु, यही कार्य उपस्थित हो गया था जिससे मैं उस समय न आ सका। लौटने पर ज्यों ही सुना कि हस्तिनापुर में दुर्योधन की उद्दंडता के कारण जुआ खेला गया और पांडव उसमें सब कुछ हार कर वन को चले गए, तब अत्यंत दुख में पड़े हुए आप लोगों को देखने के लिए मैं तुरंत यहां चला आया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभ वधोपाख्यान विषयक 14वां अध्याय पूरा हुआ। 15वां अध्याय सौभ नाश की विस्तृत कथा के प्रसंग में द्वारका में युद्ध संबंधी रक्षात्मक तैयारियों का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहु, वसुदेव नंदन, महामते, तुम सौभ विमान के नष्ट होने का समाचार विस्तार पूर्वक कहो। मैं तुम्हारे मुख से इस प्रसंग को सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाबाहु, नरेश्वर, भरत श्रेष्ठ, श्रुत श्रवा के पुत्र शिशुपाल के मारे जाने का समाचार सुनकर शाल्व ने द्वारकापुरी पर चढ़ाई की। पांडुनंदन, उस दुष्टात्मा शाल्व ने सेना द्वारा द्वारकापुरी को सब ओर से घेर लिया था। वह स्वयं आकाशचारी विमान सौभ पर व्यू रचना पूर्वक विराजमान हो रहा था। उसी पर रहकर राजा शाल्व द्वारकापुरी के लोगों से युद्ध करता था। वहां भारी युद्ध छिड़ा हुआ था और उसमें सभी दिशाओं से अस्त्र शस्त्रों के प्रहार हो रहे थे। द्वारकापुरी में सब ओर पताकाएं फहरा रही थी। ऊंचे ऊंचे गोपुर वहां चारों दिशाओं में सुशोभित थे। जगह जगह सैनिकों के समुदाय युद्ध के लिए प्रस्तुत थे। सैनिकों के आत्मरक्षा पूर्वक युद्ध की सुविधा के लिए स्थान स्थान पर बुर्ज बने हुए थे। युद्धोपयोगी यंत्र वहां बैठाए गए थे तथा सुरंग द्वारा नए नए मार्ग निकालने के काम में बहुत से लोग जुटे हुए थे। सड़कों पर लोहे के विषाक्त कांटे अदृश्य रूप से बिछाए गए थे। अट्टालिकाओं और गोपुरों में पर्याप्त अन्न का संग्रह किया गया था। शत्रु पक्ष के प्रहारों को रोकने के लिए जगह जगह मोर्चेबंदी की गई थी। शत्रुओं के चलाए हुए जलते गोले और अलात को भी विफल करके नीचे गिरा देने वाली शक्तियां सुसज्जित थीं। अस्त्रों से भरे हुए मिट्टी और चमड़े के असंख्य पात्र रखे गए थे। भरत श्रेष्ठ, ढोल,
नगारे और मृदंग आदि जुझाऊ बाजे भी बज रहे थे। राजन, तोमर, अंकुश, शतघ्नि, लांगल, भुशुंडी, पत्थर के गोले, अन्य अन्य अस्त्र शस्त्र, फरसे, बहुत सी सुदृढ़ ढालें और गोला बारूद से भरी हुई तोपें यथास्थान तैयार रखी गई थी। भरत कुलभूषण शास्त्रोक्त विधि से द्वारकापुरी को रक्षा के सभी उत्तम उपायों से संपन्न किया गया था। कुरुश्रेष्ठ, शत्रुओं का सामना करने में समर्थ गद, सांब और उद्धव आदि अनेक वीर पुरुष नाना प्रकार के बहुसंख्यक रथों द्वारा पुरी की रक्षा में दत्तचित थे, जो अत्यंत विख्यात कुलों में उत्पन्न थे तथा युद्ध के अवसरों पर जिनके बल वीर्य का परिचय मिल चुका था। ऐसे वीर रक्षक मध्यम गुल्म में स्थित हो पुरी की पूर्णतः रक्षा कर रहे थे। सबको प्रमाद से बचाने वाले उग्रसेन और उद्धव आदि ने शत्रुओं के गुल्मों को नष्ट करने की शक्ति रखने वाले घुड़सवारों के हाथ में झंडे देकर समूचे नगर में यह घोषणा करा दी थी कि किसी को भी मद्यपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मदिरा से उन्मत्त हुए लोगों पर राजा शाल्व घातक प्रहार कर सकता है। यह सोचकर वृषणि और अंधक वंश के सभी योद्धा पूरी सावधानी के साथ युद्ध में डटे हुए थे। यथार्थ मोक्ष।